इस साल 2024 में 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या पड़ रही है। मान्यता है कि पितृपक्ष की अमावस्या तिथि के दिन धर्म कर्म कार्यों से पितर प्रसन्न होते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन घर के उन मृतक सदस्यों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि या चतुर्दशी तिथि को हुई हो। साथ ही इस दिन उन पूर्वजों का भी श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु तिथि याद ना हो। सर्वपितृ अमावस्या को पितरों की विदाई का दिन माना जाता है। इस दिन किए गए कुछ विशेष टोटकों से अपने जीवन की कई समस्याओं से निजात पा सकते हैं। इन टोटकों से पूर्वज तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही हमारी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। तो चलिए जानते हैं सर्वपितृ अमावस्या के विशेष 10 टोटकों के बारे में। नंबर 1, करियर में तरक्की के लिए। रोजगार की तलाश करने वाले सर्वपितृ अमावस्या के दिन एक साफ नींबू को घर के मंदिर में रख दें, फिर उसको रात के समय 7 बार अपने सिर से उतार लें। इसके बाद नींबू को 4 बराबर हिस्सों में काट लें और चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में फेंक दें। ऐसा करने से करियर में तरक्की के शुभ योग बनना शुरू हो जाएंगे। नंबर 2, मजबूत आर्थिक स्थिति के लिए। सर्वपितृ अमावस्या की शाम को घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि बत्ती के लिए लाल रंगे के धागे का उपयोग करें। साथ ही दीपक में थोड़ी केसर व काले तिल डाल दें। ऐसा करने से कर्ज से राहत मिलेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नंबर 3, शत्रु से मुक्ति के लिए टोटका। सर्वपितृ अमावस्या की रात काले कुत्ते को तेल से छुपड़ी रोटी खिला दें। अगर कुत्ता उसी समय रोटी खा लेता है तो शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और करियर में तरक्की होगी। साथ ही इस दिन शराब, तामसिक भोजन, झूठ बोलना, अनैतिक कार्य आदि नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से पितर नाराज हो जाते हैं। नंबर 4, धन लाभ योग के लिए। सर्वपितृ अमावस्या की रात 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दीपक बहती हुई नदी या तालाब में छोड़ दें। लेकिन ध्यान रहे कि रात में ऐसा करते समय कोई आपको देखे ना। ऐसा करने से धन लाभ के योग बनते हैं और परिवार के सदस्यों की उन्नति होती है। नंबर 5, कालसर्प दोष मुक्ति के लिए। सर्वपितृ अमावस्या के दिन कालसर्प दोष से निवारण के लिए सुबह स्नान व ध्यान करने के बाद चांदी से निर्मित नाग नागिन की पूजा अर्चना करें। इसके बाद उनको सफ़ेद फूल के साथ बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से कालसर्प दोष के अशुभ प्रभाव में कमी आती है और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, इस टोटके से होगी नकारात्मक शक्तियाँ दूर। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन बबूल के पेड़ के नीचे पितरों के लिए भोजन रखें। साथ ही कच्चा दूध, 2 लौंग, थोड़े बताशे और काले तिल पितरों को अर्पित करें। इस टोटके के करने से नौकरी व व्यापार के साथ जीवन में चल रही सभी समस्याओं से निजात मिलेगी और नकारात्मक शक्तियां भी दूर रहेंगी। नंबर 7, सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए उत्तम टोटका। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन पितरों के नाम का तर्पण व श्राद्ध कर्म करें और गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। साथ ही काली चींटियों को शक्कर मिला आटा खिलाएं और मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिला दें। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पीपल की सेवा और पूजा करने से हमारे पितृ प्रसन्न रहते हैं। इस दिन स्टील के लोटे में दूध, पानी, काले तिल, शहद और जौ मिला लें। इसके साथ कोई भी सफ़ेद मिठाई, एक नारियल, कुछ सिक्के और एक जनेऊ लेकर पीपल वृक्ष के नीचे जाकर सर्वप्रथम लौटे की समस्त सामग्री पीपल की जडडीएच में अर्पित कर दें। इस दौरान ओम सर्वपितृ देवताभ्यो नमः मंत्र का जाप भी लगातार करते रहें। इस उपाय से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और पितरों का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो भक्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही धर्म अध्यात्म दिव्य उपायों की नई नई जानकारी के लिए हमारे समुदाय से जुड़ें।